नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आप लोगों के अपने चहेते मनपसंद YouTube चैनल रघुवंशी क्लासेस पे। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग देखेंगे BSNL JTO लाइस JEE टू JTO इंटरनल एग्जाम जो कि 2013 का क्वेश्चन था, उसके बारे में दोस्तों हम लोग देखेंगे और उसके सॉल्यूशन के भी हम लोग देखेंगे। BSNL JTO लाइस 2013 क्वेश्चन पेपर टेक्निकल पार्ट को दोस्तों हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आप अपने स्क्रीन पे क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर टी लिमिटेड इंटरनल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन लाइस लाइस 2013 का एग्जामिनेशन है। दोस्तों, मैंने पीछे भी आप लोगों को बोला था, इसमें टोटल दो पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए दोस्तों टोटल नॉन टेक होगा और पार्ट बी जो दोस्तों वो टोटल टेक्निकल होगा। पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए में दोस्तों ये 50 नंबर का पूछा जाता है, जिससे 25 नंबर इंग्लिश का होगा और 25 नंबर दोस्तों जीके जीएस और करंट अफेयर इन सब सेक्शन से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और दोस्तों बाकी का 100 क्वेश्चन जो 100 नंबर के होंगे वो दोस्तों किससे रहेंगे, आपके टेक्निकल पार्ट से रहेंगे। इसके बारे में दोस्तों हम लोगों ने आपको ऑलरेडी पीछे की वीडियो में आपको बताया भी था, और पीछे जो क्लास मतलब 2016 का जो क्वेश्चन पेपर था लाइस था उसके बारे में भी आप लोगों को मैंने दोस्तों बताया था। अब दोस्तों देख लेते हैं BSNL JTO लाइस 2013 का क्वेश्चन पेपर। जैसा कि दोस्तों आप अपने स्क्रीन पे क्लियरली देख सकते हैं, ये पार्ट बी है। पार्ट बी दोस्तों टोटल टेक्निकल पार्ट होता है जो आपके सब्जेक्ट से पूछा जाता है। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 100 मार्क्स के। और दोस्तों मैंने आपको पीछे भी बताया था, इससे सेक्शनल कट ऑफ होता है, इसमें 30 मार्क्स पाना होता है आपको क्वालिफाई करने के लिए, अगर आप जनरल हैं तो। ठीक है, अगर आप जनरल हैं तो 30 मार्क्स आपको इससे पाना होता है, और अगर आप एससी या फिर एसटी हैं तो दोस्तों इससे आपको 23 नंबर पाना होता है इस सेक्शन से। और ओवरऑल दोस्तों आपको भी पता होगा 37 मार्क्स जनरल के लिए और एससी एसटी के लिए 25% मार्क्स पाना होता है। अब दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर 2013 जेटीओ लाइस का क्वेश्चन पेपर, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया। द हार्ट ऑफ एनी कंप्यूटर इज हार्ट ऑफ, आपको भी दोस्तों पता होगा हार्ट कह लें या फिर ब्रेन कह लें, ब्रेन कह लें किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का, तो इस टाइप से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला, द हार्ट ऑफ एनी कंप्यूटर इज क्या होता है उसका दोस्तों सीपीयू, हार्ट या ब्रेन आप इसको कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अ कलेक्शन ऑफ वायर्स दैट कनेक्ट सेवरल डिवाइस इज कॉल्ड, कलेक्शन ऑफ वायर्स दोस्तों इसको बस कहा जाता है। आपने भी देखा होगा कंप्यूटर सिस्टम में लंबे लंबे पट्टे जैसे वायर्स होते हैं, इसी को दोस्तों क्या कहते हैं, बस कहते हैं। ये दोस्तों बस डेटा बस भी होते हैं और एड्रेस बसेस भी होते हैं। अभी आपको फिलहाल इतना जानने की यहाँ पे जरूरत है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री दोस्तों, द यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, द यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम दैट एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम कम्युनिकेट विथ एंड ऑफ्टन कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द अदर सब सिस्टम ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। यहां पे दोस्तों आपको क्लियरली दिख रहा होगा, यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम दैट एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम, दोस्तों सीपीयू जो होता है वो ब्रेन होता है किसी कंप्यूटर सिस्टम के या फिर हार्ट होता है किसी कंप्यूटर सिस्टम का, वही सारे प्रोग्राम्स का एग्जीक्यूशन करता है, कंट्रोल भी करता है कंट्रोल यूनिट के थ्रू। तो सीपीयू इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर थ्री, सीपीयू इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर कैन बी यूज टू मेक, माइक्रो प्रोसेसर कैन बी यूज टू मेक, माइक्रो प्रोसेसर क्या बनाने के काम आएगा, तो कंप्यूटर डिजिटल सिस्टम एंड कैलकुलेटर्स। तो माइक्रो प्रोसेसर दोस्तों ये सारी तीनों चीजें, कंप्यूटर्स भी माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू बनाए जाते हैं जो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने में यूज होता है, डिजिटल सिस्टम भी एंड कैलकुलेटर्स भी। तो ऑल ऑफ दीज आर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप BSNL JTO लाइस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो की या फिर इस क्लास का जो PDF है वो पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल रघुवंशी क्लासेस से टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहां पे मैं BSNL JTO से रिलेटेड सारे मटेरियल्स आपको दोस्तों वहां पे मैं प्रोवाइड करूंगा, BSNL JTO लाइव से रिलेटेड, और जो भी क्लास होगी आपको वहां पे उसकी डिटेल मिलती रहेगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ रजिस्टर, इसमें से कौन सा दोस्तों रजिस्टर नहीं है, तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं
कि स्टैक, स्टैक भी क्या है दोस्तों, एक रजिस्टर है, प्रोग्राम काउंटर भी एक रजिस्टर है, एक्यूमुलेटर। तो दोस्तों रजिस्टर बेसिकली क्या होता है, रजिस्टर्स वो होते हैं जो पर्टिकुलरली कुछ टाइम के लिए डेटा को स्टोर करते हैं, जो पर्टिकुलरली कुछ टाइम के लिए डेटा को होल्ड या स्टोर करते हैं, वही दोस्तों रजिस्टर आप कह सकते हैं उसको। तो यहां पे विच इज नॉट फॉलोइंग रजिस्टर, तो बफर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बफर इज रजिस्टर नहीं है। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, स्टैक कंसिस्ट ऑफ, स्टैक क्या कंसिस्ट करता है, तो दोस्तों स्टैक कंसिस्ट ऑफ रैम, रैम स्टैक रैम को कंसिस्ट करता है, ये क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहां पे इससे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, रैम के फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम के फुल फॉर्म्स रीड ओनली मेमोरी, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जैसा कि दोस्तों आप अपने स्क्रीन पे क्लियरली देख सकते हैं, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, जावा, जावा से रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 7, जावा और उसके बारे में पूछा गया, जावा है क्या, जावा है क्या, इज अ रियली सिंपल रिलायबल, रिलायबल पोर्टेबल एंड पावरफुल लैंग्वेज। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि जावा एक लैंग्वेज है, नॉट एन एक्रोनिम, एक्रोनिम नहीं है, इज मोस्ट सुटेबल फॉर इंटरनेट प्रोग्रामिंग। बिल्कुल सभी ऑप्शन सही है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सॉरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, तो दोस्तों जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये सी भी होता है, सी प्लस प्लस भी होता है और जावा भी होता है, तो यहां पे इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी ये राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन रिपीट भी किए जा सकते हैं, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इन्हें जो टोटली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, अगर आप उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं तो आप उसको याद जरूर कर लीजिए, क्योंकि कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस ही होते हैं जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अगला दोस्तों फिर से जावा से क्वेश्चन है कि जावा, जावा क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, हैज नो टेम्पलेट्स, बिल्कुल सही बात है, डज नॉट प्रोवाइड वेस्टेड क्लासेस, बिल्कुल सही बात है, डज नॉट प्रोवाइड डिस्ट्रक्शंस, बिल्कुल सही बात है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी ओएसआई लेयर आर कवर्ड इन द X25 स्टैंडर्ड। अभी तक दोस्तों आप लोगों ने ऊपर के जो भी क्वेश्चंस देखे वो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन या फिर डेटा स्ट्रक्चर से आपने देखा, अभी यहां से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 से डीसीएन स्टार्ट हो जाता है, डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी ओएसआई लेयर्स आर कवर्ड इन द X25 स्टैंडर्ड, तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, वो हो जाएगा बी, 3 ओएसआई लेयर्स होते हैं X25 स्टैंडर्ड में। अगला क्वेश्चन, लेयर वन ऑफ द ओएसआई मॉडल इज, ओएसआई मॉडल का एक लेयर कौन सा है, तो अगर दोस्तों यहां पे बात करें तो लिंक लेयर, ये उसका ये फिजिकल लेयर, लेयर वन ऑफ द ओएसआई मॉडल इज, तो फिजिकल लेयर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों अगर हम देख लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 की अगर दोस्तों बात करें तो नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल यूज इन बॉड कोड, 12 क्वेश्चन नंबर 12, नंबर ऑफ बिट, कितने नंबर ऑफ बिट्स जो पर सिंबल यूज होते हैं बॉड कोड में, तो यहां पे मैं आपको दोस्तों बता दूं, 5 बिट्स यूज होते हैं। ठीक, यहां से दोस्तों और किस टाइप के क्वेश्चन, बिट्स से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो पहले तो दोस्तों बिट्स का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, बिट्स का फुल फॉर्म दोस्तों होता है बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट जो बाइनरी नंबर सिस्टम को बताता है, जिसमें हम सिर्फ 0 या 1 यूज करते हैं। और दोस्तों इस 0 या 1 की बात करें तो जो भी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग होती है, डेटा का स्टोरेज होता है, वो बाइनरी फॉर्म में होता है, बाइनरी फॉर्म में स्टोरेज होता है डेटा का, जो भी कंप्यूटर सिस्टम में स्टोरेज होगा वो किस फॉर्म में होगा दोस्तों, या जो कंप्यूटर समझता है वो किस फॉर्म में होता है दोस्तों, बाइनरी नंबर सिस्टम में होता है। अगला क्वेश्चन बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैन इज, लैन का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एप्लीकेशन इंडिपेंडेंट इंटरफेसिस, अनलिमिटेड एक्सपेंशन, लो कॉस्ट एक्सेस फॉर लो बैंडविड्थ चैनल्स एंड पैरेलल ट्रांसमिशन, तो ये इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, एप्लीकेशन इंडिपेंडेंट इंटरफेस। तो
तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा लैन का। और यहां पे लैन का फुल फॉर्म दोस्तों हो जाता है लोकल लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क हो जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, FDDI इज अ, FDDI क्या होता है? FDDI दोस्तों एक रिंग नेटवर्क होता है। कौन सा नेटवर्क होता है? रिंग नेटवर्क होता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां पे दोस्तों ये यहां से इस टाइप के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब जैसे जो स्टार टोपोलॉजी है, ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हम हब का यूज करते हैं। तो स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसमें हम लोग हब का यूज करते हैं। और दोस्तों जो हमारे BSNL के जो सिस्टम्स टेलीकॉम इक्विपमेंट कनेक्टेड होते हैं वो रिंग नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं। ठीक, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे दोस्तों एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। अब दोस्तों बात कर लें क्वेश्चन नंबर 15 की, क्वेश्चन नंबर 15 की, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के लिए क्या यूज होता है? तो दोस्तों मॉडेम, मॉडेम का फुल फॉर्म ही होता है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। यही मॉडेम का फुल फॉर्म होता है जो डीमॉड्यूलेशन और मॉड्यूलेशन के लिए यूज होता है। अगला अगर बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की, द कम्युनिकेशन मोड दैट सपोर्ट्स टू वे ट्रैफिक बट ओनली इन वन डायरेक्शन एट अ टाइम। द कम्युनिकेशन मोड दैट सपोर्ट टू वे ट्रैफिक बट ओनली इन वन डायरेक्शन एट अ टाइम इज कॉल्ड हाफ डुप्लेक्स। ये क्या होता है दोस्तों? हाफ डुप्लेक्स होता है। तीन मोड ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स एंड हाफ डुप्लेक्स। अगर सिंप्लेक्स की बात करें तो दोस्तों सिंप्लेक्स में क्या होगा? सिंप्लेक्स में सिर्फ जो सेंडर होता है, या फिर आप कह लें सिर्फ सेंडर डेटा को भेजता है रिसीवर के पास, लेकिन जो रिसीवर होता है वो सेंडर से कोई भी कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। जैसे कि हमारे रेडियो होते हैं, रेडियो होते हैं, रेडियो में क्या है, सिर्फ वहां से हमें सुनाई देगा या फिर उसके डेटा को हम ले सकते हैं। अगर अपनी बात उससे कहना चाहें तो हम नहीं कह पाते। और अगर बात कर ले हाफ डुप्लेक्स की, तो हाफ डुप्लेक्स में दोस्तों जो सेंडर होता है, सेंडर होता है रिसीवर, इसमें दोनों वे में कम्युनिकेशन तो होता है लेकिन किसी एक समय में। जैसे वॉकी टॉकी, वॉकी टॉकी आपने देखा होगा, कोई जब बात करते हुए तो वो एक बंदा ओवर बोलता है तब चैनल फ्री होता है, फिर नेक्स्ट बंदा उसको बात करने के लिए उसमें आता है। तो वो हाफ डुप्लेक्स में वॉकी टॉकी काम करता है। और हमारा मोबाइल, ये डुप्लेक्स मोड होता है जिसमें दोस्तों क्या होते हैं कि सेंडर और रिसीवर दोनों डेटा का ट्रांसमिट कर सकता है किसी भी समय। ठीक, तो ये फुल मोड या फिर डुप्लेक्स, इसको हाफ डुप्लेक्स, सॉरी फुल डुप्लेक्स या डुप्लेक्स इसको कहा जा सकता है। अब दोस्तों बात कर ले अगर अगले क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 की दोस्तों बात करें तो आप अपने स्क्रीन पे क्लियरली देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू कनेक्ट टू सिस्टम स्पेशली इफ द सिस्टम यूज डिफरेंट प्रोटोकॉल। वो कौन सा डिवाइस है जो यूज होता है दो सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए, और स्पेशली तब जब दोनों सिस्टम अलग अलग प्रोटोकॉल्स यूज कर रहे हो। तो दोस्तों उसका आंसर हो जाएगा ब्रिज। ब्रिज उसका राइट आंसर हो जाएगा कि ब्रिज वो डिवाइस होगा कि जो दो सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है जिनके प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ब्रिज यहां पे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर हम बात कर ले, या ब्रिज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम एक्सेस कंट्रोल टेक्निक इज यूज फॉर बस और ट्री। इसमें से कौन सा टेक्निक है जो यूज होता है? तो टोकन रिंग, टोकन रिंग ये टेक्निक यूज होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क एक्सेस स्टैंडर्ड इज यूज फॉर कनेक्टिंग स्टेशन टू अ पैकेट स्विच नेटवर्क, टू अ पैकेट स्विच नेटवर्क X3। ये इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा X3। अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग प्रोसीजर इज द स्लोवेस्ट। कौन सा सॉर्टिंग प्रोसीजर दोस्तों सबसे स्लोवेस्ट है? तो दोस्तों जो बबल सॉर्ट होता है, बबल सॉर्ट ये सबसे स्लोवेस्ट सॉर्टिंग प्रोसीजर होता है। तो ये दोस्तों था 20वां क्वेश्चन। दोस्तों मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा
कि अगर आप BSNL JTO LIES का प्रिपरेशन कर रहे हैं और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, रघुवंशी क्लासेस को, और इस नोट्स का PDF या क्लासेस का जो भी मटेरियल है वो पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख ले, क्वेश्चन नंबर 21, द वेरिएबल विच कैन बी एक्सेस्ड बाय ऑल मॉड्यूल्स इन अ प्रोग्राम आर कॉल्ड, द वेरिएबल्स विच कैन बी एक्सेस्ड बाय ऑल मॉड्यूल्स इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल। इसके नाम से ही क्लियर है दोस्तों, ग्लोबल वेरिएबल्स ये हम एक्सेस कर सकते हैं किसी भी मॉड्यूल्स में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, द नंबर ऑफ नोड्स इन अ कंप्लीट बाइनरी ट्री ऑफ लेवल 5 इज, ठीक, ये डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन है, ट्री पार्ट से, द नंबर ऑफ नोड्स इन अ कंप्लीट बाइनरी ट्री ऑफ लेवल 5 इज, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा दोस्तों 63। 5 लेवल है तो 2 टू द पावर 5 माइनस 1, सॉरी 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1, ये इसका लेवल हो जाता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना, 2 टू द पावर 6 माइनस 1, तो ये 63 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, स्टैक इज यूजफुल फॉर इंप्लीमेंटिंग, स्टैक किसके लिए यूजफुल होता है दोस्तों, सर्च आर्गुमेंट, सॉरी 23, स्टैक इज यूजफुल फॉर इंप्लीमेंटिंग रिकर्सन के लिए दोस्तों यूज होता है, स्टैक इज यूजफुल फॉर इंप्लीमेंटिंग रिकर्सन। अगला क्वेश्चन नंबर 24, द वैल्यू फॉर विच यू आर सर्चिंग इज कॉल्ड सीरियल वैल्यू, क्या कहते हैं दोस्तों उसको सीरियल वैल्यू कहा जाता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 25, द सॉर्टिंग मेथड विच सॉर्ट अ गिवन सेट ऑफ आइटम्स दैट इज ऑलरेडी इन ऑर्डर और इन रिवर्स ऑर्डर विथ इक्वल स्पीड इज कॉल्ड विथ क्विक सॉर्ट, क्या कहते हैं दोस्तों उसको, क्विक सॉर्ट कहते हैं। अगला दोस्तों देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, द सर्च प्रोसीजर विच एसोसिएट्स एन एड्रेस विथ अ की वैल्यू एंड प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर डीलिंग विथ टू और मोर वैल्यू असाइन टू द सेम एड्रेस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं दोस्तों, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हार्श कोडेड सर्च, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27, ईआर मॉडलिंग टेक्निक्स इज अ, ईआर टॉप डाउन अप्रोच होता है दोस्तों, ईआर मॉडलिंग क्या होता है, टॉप डाउन अप्रोच होता है। अगला दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, अगर क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें दोस्तों, The TTA salary should not be greater than 2000. This is, ये क्या यहाँ पे है? Question number 28. The TTA salary should not be, ये इस section में किस हिसाब से पूछा गया? मुझे नहीं पता. The TTA salary should not be greater than 2000. This is a integrity constraint, ये TTA की सैलरी को लेकर के एक तरफ से समझ लीजिए आप मजाक ही उड़ाया गया यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, द रेशनल मॉडल यूज सम अनफैमिलियर टेक्नोलॉजी और ट्रिपल इज अ इक्विवेलेंट टू, और ट्रिपल इज अ इक्विवेलेंट टू रिकॉर्ड, ये सारे दोस्तों डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो कंप्यूटर और डेटा स्ट्रक्चर पार्ट को काफी स्ट्रांग बनाना पड़ेगा इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, अ फॉर्म डिफाइंस वेयर डेटा इज प्लेस्ड ऑन द स्क्रीन द विड्थ ऑफ ईच फील्ड, ये सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि दोनों इसके लिए होता है। अगला क्वेश्चन, डेटा सिक्योरिटी थ्रेट्स इंक्लूड, 31, डेटा सिक्योरिटी थ्रेट्स इंक्लूड प्राइवेसी इन्वेजन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, तो दोस्तों द मोस्ट कॉमन अप्रोच
टू ऑथेंटिकेटिंग अ यूजर आइडेंटिटी इज यूजर पासवर्ड। ठीक, यूजर पासवर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, ऑडिट ऑडिट लॉग कैन बी यूज टू, क्वेश्चन नंबर 33, ऑल ऑफ दीज डिटरमाइन हाउ एंड व्हेन द प्रॉब्लम ऑकर्ड, व्हाट अमाउंट ऑफ डैमेज वॉट डन, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या दोस्तों, डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, वेट स्टोन ब्रिज मेथड ऑफ रेजिस्टेंस मेजरमेंट इज आइडियली सुटेबल फॉर द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वैल्यू इन द रेंज ऑफ, इन द रेंज ऑफ दोस्तों जो वीट स्टोन ब्रिज होता है वो जनरली 0.1 ओम से लेकर के 100 ओम की रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए ये काम आता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्टली मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे कराए हुए हैं, आप मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं, मेजरमेंट के क्लासेस देख सकते हैं। अब मैं दावे के साथ आपको कहना चाहूंगा कि मेजरमेंट से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप उसको देखने के बाद बहुत ही आसानी से कर सकेंगे। उसका लिंक भी मैं दोस्तों डिस्क्रिप्शन में और कमेंट भी पिन कर दूंगा, वहां से जाकर के भी आप सभी सब्जेक्ट वाइज क्लासेस बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 35 दोस्तों यहां पे आपको ये भी मेजरमेंट पार्ट से मिल जाएगा देखने को। क्वेश्चन नंबर 35, व्हेन मेजरिंग इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ केबल यूजिंग डीसी सोर्सेस द गैल्वेनोमीटर यूज शुड बी इनिशियल शॉर्ट सर्किटेड बिकॉज, किस लिए शॉर्ट सर्किटेड रहता है दोस्तों, केबल्स हैव अ हाई वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस विच ड्रॉ अ हाई वैल्यू ऑफ चार्जिंग करेंट, ये बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट विल हैपन इफ अ वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड लाइक एन अमीटर इन सीरीज टू द लोड, ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि क्या होगा जब एक वोल्ट मीटर को हम अमीटर की तरह सीरीज में कनेक्ट कर देंगे लोड के तो क्या होगा। तो इसमें दोस्तों सिंपल सा इसका आंसर है, इसको आप याद कर लीजिए, ये बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है इसका, देयर विल बी ऑलमोस्ट नो करेंट इन द सर्किट, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला ये मत लिख दीजिएगा द मीटर विल बर्न आउट, ये आप प्रैक्टिकली कर ले वो नहीं है कि आप जला देंगे, बट ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, देयर विल बी ऑलमोस्ट नो करेंट इन द सर्किट। ठीक, क्योंकि वोल्ट मीटर का काम तो क्या, ये मेजर करना है आपका, वोल्ट मेजर करना है, तो वोल्टेज मेजर करना है, तो ये इसका राइट आंसर, इसको आप याद कर लीजिए, ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन दोस्तों अगर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग मीटर इज मोस्ट सुटेबल फॉर मेजरिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए दोस्तों थर्मोकपल मीटर का यूज होता है। ठीक, थर्मोकपल मीटर का यूज होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38, अ हाई फ्रीक्वेंसी द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरिंग मीटर, हाई फ्रीक्वेंसी एक्यूरेसी ऑफ द मेजरिंग मीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा डिक्रीजेस, एट हाई फ्रीक्वेंसी द एक्यूरेसी ऑफ मेजरिंग मीटर्स, हाई फ्रीक्वेंसी पे जाने के बाद जो एक्यूरेसी है दोस्तों वो घट जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 39, डीसी वोल्टेज ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू मिली वोल्ट कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली यूजिंग अ और एन नल बैलेंस पोटेंशियोमीटर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। द इंडक्टेंस ऑफ अ हाई क्यू इंडक्टर कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ, क्वेश्चन नंबर 40, ये दोस्तों वेन ब्रिज से मेजर होता है क्या, इंडक्टेंस ऑफ अ हाई क्यू इंडक्टर, ठीक, आप हाई क्यू इंडक्टर कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ वेन ब्रिज से, हम इसको मेजर कर सकते हैं। मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा, मेजरमेंट के क्लासेस मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है और डायरेक्टली क्वेश्चन ये सारे दोस्तों वहां पे आपको देखने को मिल जाएंगे, आप सिर्फ अगर उसका नोट्स बना लेंगे तो आप बहुत ही आसानी से मेजरमेंट के सारे क्वेश्चन का आंसर आप दे सकेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41, एन इंटीग्रेटिंग डिजिटल वोल्ट मीटर मेजर्स, ठीक, क्वेश्चन नंबर ट्रू एवरेज वैल्यू ये मेजर करता है, ट्रू एवरेज वैल्यू मेजर करता है।
अगला दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं आपके स्क्रीन पे, जैसा कि देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 42। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीटर मेजर्स रजिस्टेंस बाय फोर्सिंग अ कॉन्स्टेंट करेंट एंड मेजरिंग द वोल्टेज अक्रॉस द अननोन रजिस्टेंस। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43। स्मॉल डीसी मोटर्स अप टू 5 हॉर्स पावर यूजली हैव। क्वेश्चन नंबर 43, दो पोल्स होते हैं इसके पास। अगला क्वेश्चन 44। इन अ डीसी जनरेटर रैपिड ब्रश वियर मे बी ड्यू टू। क्वेश्चन नंबर 44, डी इसका एनी ऑफ दिस, ये डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों 45। ए ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म्स, ट्रांसफार्मर क्या ट्रांसफॉर्म करता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ट्रांसफार्मर आपका यहाँ पे वोल्टेज भी ट्रांसफॉर्म करता है, करंट भी ट्रांसफॉर्म करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वो वोल्टेज एंड करंट को ये ट्रांसफॉर्म करता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 46। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वोल्टेज जनरेटेड बाय एन अल्टरनेटर हैविंग 8 पोल्स एंड रोटेटिंग एट 750 RPM इज। 750 RPM इज दोस्तों इसी सेम क्वेश्चन से, और लगभग लगभग सेम क्वेश्चन 2016 के एग्जामिनेशन में पूछा गया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चंस रिपीट हुआ है। तो 46 का आंसर हो जाएगा बी, 50 हर्ट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की दोस्तों बात करें, क्वेश्चन नंबर 47। सिंक्रोनस मोटर कैन बी ऑपरेट एट, सिंक्रोनस मोटर कैन बी ऑपरेट एट लैगिंग पावर फैक्टर ओनली, लीडिंग पावर फैक्टर ओनली, यूजिंग पावर फैक्टर ओनली। सभी आंसर्स इसके राइट हैं। तो एनी ऑफ दीज थ्री, एनी ऑफ किसी एक को लेकर के आप मेजर ऑपरेट होता है सिंक्रोनस मोटर। अगला 48। विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज मोस्ट सुटेबल फॉर बेस्ट स्पीड कंट्रोल, बेस्ट स्पीड कंट्रोल के लिए सिंक्रोनस मोटर यूज होता है, बेस्ट स्पीड कंट्रोल के लिए सिंक्रोनस मोटर यूज होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सिंगल फेज मोटर जनरली गेट ओवरहीटेड ड्यू टू, जनरली गेट ओवरहीटेड ड्यू टू ओवरलोडिंग, जी बिल्कुल सही बात है, शॉर्ट वाइंडिंग बिल्कुल सही बात है, बियरिंग ट्रबल्स बिल्कुल सही बात है। तो एनी ऑफ एबव, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 50। सर्किट ब्रेकर्स आर इसेंशियली करंट कैरिंग कॉन्टैक्ट कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स। ये सर्किट ब्रेकर्स के बारे में, सर्किट ब्रेकर्स क्या होते हैं? करंट कैरिंग कॉन्टैक्ट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स यही होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक से, यहां पे दिया हुआ है 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार जनरेट्स अ, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये यहां पे मल्टीप्लाई है, ये दोस्तों क्या हो जाएगा? एंड गेट हो जाएगा। ए बार बी बार सी बार ये किसके बराबर है? डी के बराबर है। ठीक, तो ये जनरली दोस्तों क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एक नॉर गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नॉर गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि बबल्ड एंड इक्विवेलेंट टू नॉर गेट, बबल एंड इज इक्विवेलेंट टू नॉर गेट, और बबल्ड और इज इक्विवेलेंट टू नैंड गेट। ठीक, ये नैंड गेट है। अगर दोस्तों आपको इसके बारे में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे क्लास अटेंड करने हैं, तो मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की A to Z कॉन्सेप्ट वाइज जो क्वेश्चन दूसरे एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। आप एक बार जाएंगे उस क्लास को देखेंगे, तो मैं आशा करता हूं कि आपसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का कोई भी क्वेश्चन JTU लाइस के एग्जामिनेशन में छूटने वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं,
क्वेश्चन नंबर 52, अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, नैंड गेट इज कॉल्ड इज यूनिवर्सल गेट बिकॉज, मैं एक बात उस क्वेश्चन में बताना भूल गया आपको कि ये दोस्तों नैंड गेट जो होते हैं और जो नॉर गेट होता है ये यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। नैंड गेट और नॉर गेट ये यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। इसको इसलिए यूनिवर्सल गेट कहते हैं क्योंकि इससे आप किसी भी टाइप का गेट्स बना सकते हैं। कोई भी लॉजिक गेट्स अगर आपको बनाना है तो आप नैंड और नॉर गेट की मदद से आप बना सकते हैं उसको, इसलिए इसको यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। इससे भी क्वेश्चंस पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल गेट कौन कौन से हैं, इससे भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि नैंड गेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल गेट बिकॉज इट इज मोस्ट कॉमनली यूज, नहीं बिल्कुल नहीं। All logical functions can be realized by using NAND gate alone. ये बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 का, क्योंकि NAND gate हो या फिर NOR gate हो उससे आप कोई भी बुलियन functions आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, इसीलिए इसको दोस्तों यूनिवर्सल गेट्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, e प्लस बी बार प्लस ए बार बी इंटू सी, ये दिया हुआ है। तो दोस्तों अगर यहां पे देखा जाए इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी बार, अगर 53 की डायरेक्ट आंसर अगर कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ आपको देखना है तो आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप जाकर के एक बार वहां से जरूर देख लीजिए मेरे चैनल को, आप ये सब बहुत ही आसानी से कर सकेंगे। तो 53 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की दोस्तों बात करें यहां पे, हाउ मेनी ट्रुथ टेबल कैन बी मेड फ्रॉम वन फंक्शन टेबल, क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54, तो हाउ मेनी ट्रुथ टेबल कैन बी मेड फ्रॉम वन फंक्शन ट्रुथ टेबल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2, दो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, द नंबर ऑफ कंपैरेटर्स इन अ पैरेलल कन्वर्जन टाइप 8 बिट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर इज, 8 बिट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर इज, दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। इसका आंसर हो जाता है दोस्तों 2^8 - 1, 255 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, पैरेलल कन्वर्टर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर E5 इज, E5 का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, तो ये दोस्तों E हो गया। E इक्विवेलेंट किसके हो जाता है अगर हेक्साडेसिमल की बात करें, तो यहां पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ए बी सी डी ई एंड F, ये हो जाएगा 10, 11, 12, 13, 14, तो इसका हो जाएगा ये 14 मल्टीप्लाइड बाय 16^1 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 16^0। ठीक है दोस्तों, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कितना, 229। ये सब दोस्तों कन्वर्जन आपको मेरे चैनल पे मिलने वाला है, ऑलरेडी लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं वो दूसरे एग्जामिनेशन के लिए, एक बार मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप मेरे चैनल पे भी जाकर के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे क्लास देख सकते हैं और इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप खुद से बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। पहले आप क्लास ले लीजिए, फिर उसके बाद आप इस IAS पेपर को देखिए, देखिए आपको कितना अंतर खुद देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी क्या होता है दोस्तों, कि जैसे ही पावर ऑफ होगा सारे जो भी उसके डेटा होंगे सब इरेज हो जाएंगे, तो वो रैम होता है, रैम इज अ वोलाटाइल मेमोरी। अगला, 1 MB इज इक्विवेलेंट टू, क्वेश्चन नंबर 58, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 1 MB इज इक्विवेलेंट टू 2^20
टू टू द पावर 20 बाइट्स, ये 1 मेगाबाइट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ ऑप्टिक्स, कौन सा ऑप्टिक्स से एसोसिएटेड है? आरएसएम, आरएसएम इसका राइट आंसर हो जाएगा। पी रोम आर यूज टू स्पेयर, क्वेश्चन नंबर 60, रिलेटिवली परमानेंट इंफॉर्मेशन, परमानेंट इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए जनरली यूज होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, सैंपलिंग थ्योरम फाइंड्स एप्लीकेशन इन, सैंपलिंग थ्योरम फाइंड्स एप्लीकेशन इन, जनरली पीसीएम में सैंपलिंग थ्योरम्स का यूज करते हैं, सैंपलिंग क्वांटाइजेशन, तो ये सब आपको पीसीएम में ही देखने को मिलेगा। अगला, ये सब डिजिटल इलेक्ट्रॉन सॉरी डिजिटल कम्युनिकेशन का पार्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 62, क्वांटाइजेशन नॉइज अकर्स इन, क्वांटाइजेशन नॉइज किसमें होता है? पीसीएम में होता है। क्वेश्चन नंबर 63, विच सिस्टम इज फ्री फ्रॉम नॉइज, नॉइज से कौन सा सिस्टम बिल्कुल ही फ्री है? तो एफएम, एफएम में नॉइज का इंटरफेरेंस बहुत ही कम या न के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 आप अपने स्क्रीन पे क्लियरली देख सकते हैं, द हाईएस्ट मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी टिपिकली यूज इन एफएम ब्रॉडकास्ट, एफएम ब्रॉडकास्ट में कौन सी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी यूज होती है? इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा 15 किलोहर्ट्ज, 15 किलोहर्ट्ज। अगला क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65, द कैरियर वोल्टेज ऑफ अनमॉड्यूलेटेड कैरियर पावर 1 किलोवोल्ट, ये मॉड्यूलेशन से है, इसका फॉर्मूला होता है, आपको भी पता होगा। ये सब दोस्तों आपको मेरे कम्युनिकेशन क्लास में आपको इससे रिलेटेड देखने को मिलेंगे, आप एक बार कम्युनिकेशन क्लास देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आप उसके बहुत ही आसानी से, आप देखने के बाद बहुत ही आसानी से उसको आप कर सकेंगे। तो ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 65 ये इसका 1.5 इस ए इसका राइट आंसर हो जाए। अगला, सैटेलाइट अर्थ स्टेशन हैज, क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें दोस्तों, तो सैटेलाइट बोथ रिसीविंग एंड ट्रांसमिटिंग, सैटेलाइट अर्थ स्टेशन जो होते हैं उनके पास रिसीवर और ट्रांसमीटर्स दोनों होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 67, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कंप्लीट्स वन ऑर्बिट इन, कंप्लीट्स वन ऑर्बिट इन 24 आवर्स। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो होते हैं दोस्तों, ये हमारे अर्थ के रोटेशन के अनुसार ही चलते हैं, जितना एक बार अर्थ रोटेट करने में जितना टाइम लेता है उतना ही जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 68, इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन DAMA मींस, सैटेलाइट कम्युनिकेशन मींस में DAMA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डिमांड असाइंड मल्टीपल एक्सेस, ये इसका फुल फॉर्म होता है किसमें? सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अगला दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69, अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इज कॉल्ड, अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इज कॉल्ड और डेटा फ्लो डायग्राम, क्या कहते हैं उसको? डेटा फ्लो डायग्राम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, अ वर्ड प्रोसेसर डिजाइन फॉर प्रोग्रामर्स इज कॉल्ड, वर्ड प्रोसेसर इज कॉल्ड एडिटर। अगला क्वेश्चन नंबर 71, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम इन्वॉल्व, क्वेश्चन नंबर 71, फंक्शनल मॉड्यूलराइजेशन, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा दिक्कत है। अगला क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज यूज्ड इन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कैलकुलेशन, कौन सा सॉफ्टवेयर फाइनेंशियल प्लानिंग में यूज होता है उसके कैलकुलेशन में या फिर प्लानिंग में? तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर हो जाएगा दोस्तों स्प्रेडशीट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 73, वर्चुअल पॉइंटर क्या होता है? तो एक डेटा नंबर होता है, वर्चुअल पॉइंटर क्या होता है दोस्तों? एक डेटा नंबर होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 की दोस्तों अगर बात करें, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज, प्रोसीजरल
प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कबूल। कबूल इसका प्रोसेसरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। क्वेश्चन नंबर 75, इससे क्वेश्चन 2016 के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, कबूल से। कबूल का फुल फॉर्म वहां पे पूछा गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 75, रजिस्टर वेरिएबल स्टोर्स इन, रजिस्टर जो वेरिएबल्स होते हैं उसको कहां पे स्टोर करते हैं, तो वो सीपीयू में स्टोर होता है। क्वेश्चन नंबर 76, अ बेस क्लास मे आल्सो बी कॉल्ड एज, अ बेस क्लास मे आल्सो बी कॉल्ड एज पेरेंट क्लास। अगला मॉस ट्रांजिस्टर 77, मॉस ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, हैज ओनली टू इलेक्ट्रोड्स, बिल्कुल सही बात। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिस्टर इज अफेक्टेड बाय स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से कौन सा अफेक्ट होता है, तो मॉस्फेट। ठीक, मॉस्फेट। अगला एससीआर इज अ, एससीआर क्या है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, एससीआर का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, और ये जनरली हाई वोल्टेज पे यूज होता है। और 79 इसका आंसर हो जाएगा फोर लेवल डिवाइस जिसमें दो गेट्स होते हैं, फोर लेवल डिवाइस होता है जिसमें दो गेट्स होते हैं। अगला क्वेश्चन, एक्सेसिव हम इन अ पावर सप्लाई इज जनरली ड्यू टू, जो हमिंग की साउंड होती है पावर सप्लाई में वो जनरली किसके कारण होती है, तो वो कैपेसिटर के कारण होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिस्टर कॉन्फिगरेशन गिव्स यूजफुल करंट गेन, यूजफुल करंट गेन कौन सा होता है, बोथ कॉमन इमीटर एंड कॉमन कलेक्टर, ये दोनों यूजफुल गेन्स दे देते हैं, करेंट गेन्स दे देते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 82, इन अ मॉस्फेट डायनेमिक ड्रेन रेजिस्टेंस आर डी इज ऑफ द ऑर्डर आर, इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10^4 मेगा ओम्स। अगला क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पलीफायर प्रोड्यूस द लीस्ट डिस्टॉर्शन, द लीस्ट डिस्टॉर्शन कौन सा प्रोड्यूस करता है 83 का, इसका दोस्तों क्लास ए बी, ये राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों बीएसएनएल जेई एग्जामिनेशन 2016 में भी पूछा गया था और बीएसएनएल ने इसका जवाब गलत दिया था और लास्ट तक उसको सुधारा नहीं। बीएसएनएल ने इसका जवाब क्लास ए को सही बता दिया था, क्लास बी को सही बता दिया था और क्लास सी को भी सही बता दिया था, और जो सही आंसर था उसको उसने गलत बताया था और फाइनल आंसर तक उसको गलत इसको बनाए रखा, और बाकी इसमें से जो भी जो गलत आंसर जिन्होंने सही टिक किया था उसको बीएसएनएल ने सही कर दिया था, और जिन्होंने सही दिया उसको टोटली गलत कर दिया था। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा क्लास ए बी में, क्लास ए बी में सबसे कम डिस्टॉर्शन होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 84, क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन टेक प्लेस इन, 84 क्रॉस ओवर जो डिस्टॉर्शन होता है वो जनरली दोस्तों पावर एम्पलीफायर्स में होते हैं, किसमें होता है दोस्तों, पावर एम्पलीफायर्स में आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85, एन ऑसिलेटर इज बेसिकली एन एम्पलीफायर विथ, ऑसिलेटर्स क्या है, बेसिकली एक एम्पलीफायर्स हैं जिसमें जनरली इनफाइनाइट गेन्स होते हैं, इनफाइनाइट गेन्स होते हैं किसमें, ऑसिलेटर्स में। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 अगर हम बात कर ले यहां पे तो इनफाइनाइट गेन, ये थोड़ा डाउटफुल लग रहा है क्योंकि ऑसिलेटर्स में इनफाइनाइट गेन ना होकर के यूनिटी गेन होना चाहिए, कोई नहीं ये डाउटफुल है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 86, माइक्रो प्रोसेसर कैन बी, क्वेश्चन नंबर 86, माइक्रो प्रोसेसर कैन बी नॉन प्रोग्रामेबल, बिल्कुल सही बात है, माइक्रो प्रोग्रामेबल एंड माइक्रो प्रोग्रामेबल, तो ऑल ऑफ दीज, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 87, एंड ओपी कोड, ओपी कोड क्या होता है, ओपी कोड इंस्ट्रक्ट द सीपीयू, सीपीयू को क्या करता है, ऑपरेशन कोड बोलते हैं इसे, सीपीयू को इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई आपको ये ऑपरेशन करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल इज रिक्वायर्ड टू फेच एंड एग्जीक्यूट इंफॉर्मेशन, कौन सा साइकिल है, तो ये दोस्तों इंस्ट्रक्शन साइकिल बोलते हैं, ये इंट्रोडक्शन नहीं, इंस्ट्रक्शन साइकिल दोस्तों इसको बोला जाता है, क्या, इंस्ट्रक्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 89, स्टैक मेमोरी इज यूज्ड, स्टैक मेमोरी क्या यूज करता है, टू सेव रिटर्न
एड्रेसेस ऑफ अ सब रूटीन। अगला क्वेश्चन दोस्तों मैं बता दूं आपको, आप अपने स्क्रीन पे क्लियरली देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। एसी के इंडिकेट एक्सेप्शन ऑफ, एसी के इंडिकेट एक्सेप्शन ऑफ करंट डेटा एक्नॉलेजमेंट, ये एक्नॉलेजमेंट होता है जनरली करंट डेटा को रिसेप्शन का इंडिकेशन है। अगला क्वेश्चन नंबर 91। एवरी प्रोसेसर मस्ट नेसेसरीली हैव, एवरी प्रोसेसर मस्ट नेसेसरीली हैव डेटा बस, अ कंट्रोल बस एंड एड्रेस बस। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92। एंड इंस्ट्रक्शन यूज टू सेट द कैरी फ्लैग इन अ कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड एज, कैन बी क्लासिफाइड एज अरिथमेटिक। ओके, अरिथमेटिक ऑपरेशन ही क्या करते हैं, फ्लैग्स को अफेक्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर, डेटा ट्रांसफर नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 93। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन डिटेक्ट लोकेशन एंड रिमूव मिस्टेक्स फ्रॉम अ प्रोग्राम रूटीन, प्रोग्राम रूटीन, तो इसका दोस्तों डीबग, डीबगिंग, डीबग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, शॉर्ट टर्म फेडिंग इन माइक्रोवेव कम्युनिकेशन लिंक्स कैन बी ओवरकम बाय, कैन बी ओवरकम बाय डाइवर्सिटी रिसेप्शन एंड ट्रांसमिशन। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 ये माइक्रोवेव से है। ट्रेवलिंग वेव ट्यूब TWT इज बेसिकली एन, ट्रेवलिंग वेव ट्यूब क्या है, ये बेसिकली एक वाइड बैंड एम्पलीफायर है जो माइक्रोवेव में यूज होता है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड्स प्रोड्यूस द हाईएस्ट पल्स पावर, कौन सा डायोड है ये, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, ये RIM, ए रिम्पैक्ट, ये इम्पैक्ट डायोड होते हैं, तो ये आर, ये डायोड होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 97। ये डायोड्स किस में यूज होते हैं, सब माइक्रोवेव में यूज होते हैं, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन में। वेब गाइड फील्स एंड प्रेशराइज टू, वेब गाइड फील्स आर प्रेशराइज टू, क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर हो जाएगा रिड्यूस नॉइज। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नॉट यूज्ड फॉर पल्स ऑपरेशन, पल्स ऑपरेशन के लिए कौन सा नहीं यूज होता है, BWO, BWO नहीं यूज होता। अगला क्वेश्चन नंबर 99। कोएक्सियल लाइंस आर कपल्स टू द वेव गाइड बाई मीन्स ऑफ, बाई मीन्स ऑफ आइदर प्रोब्स और कपलिंग लूप्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। द टर्म लेजर इज एन एब्रिविएशन ऑफ, अगर दोस्तों आप यहां तक आ गए हैं, अगर आप यहां तक क्वेश्चन सीरीज को देख लिए हैं, इस 2013 के जेटीयू लाइव के क्वेश्चंस को, तो आप लेजर का फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में मुझे बताने की कोशिश करिएगा, तो मैं समझ सकूंगा कि आप लास्ट तक इस वीडियो को देख रहे हैं और आगे की क्लासेस भी उस हिसाब से आए। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आया होगा, इस टेक्निकल पार्ट 2013 का, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, और टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करिएगा नोट्स पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में कुछ मजेदार क्लासेस को लेकर के, क्वेश्चंस को लेकर के और नॉन टेक पार्ट को लेकर के। तब तक के लिए दोस्तों अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।